पृष्ठ संख्या 18, अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। शिक्षक के लिए निर्देश। किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस अध्याय में तीन प्रकार के वर्गीकरणों की चर्चा की गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक निजी। आप दैनिक जीवन में छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्रक की तीव्र समृद्धि की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय छात्रों को कुछ मौलिक अवधारणाओं जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत कराने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि छात्रों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए उदाहरण के द्वारा इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। छात्रों को समझने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, संगठित या असंगठित और सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक में रखा जा सकता है। आप छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोगों, दुकान के मालिक, अनियत श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर इत्यादि से बात करने के लिए कि वे कैसे रहते हैं और काम करते हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्षेत्रकों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्याएं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। कृषि के घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से लिए गए अधिकाधिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छात्रों को अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनों और विवरणों को लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिन्हें कथा पटलों पर प्रदर्शित किया जा सके और इन पर चर्चा की जा सके। असंगठित क्षेत्रक पर चर्चा करते समय कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्रक के लोगों तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सूचना के स्रोत। इस अध्याय में सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित वर्ष 1993-94 के मूल्य के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। यह GDP एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मूल्यांकन के लिए विशेषकर पाठकों की विश्लेषण क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षक कई वर्षों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख कर सकते हैं। रोजगार आंकड़े
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। इसकी वेबसाइट http://mospi.nic.in को आप देख सकते हैं। रोजगार आंकड़े अन्य स्रोतों जैसे भारत की जनगणना में भी उपलब्ध हैं।